के एक जंगल में बहुत सारे चिड़िया रहा करते थे। उन्हीं में एक चिड़िया काफी गरीब थी। उनके एक बच्चे थे, वह बच्चे काफी भूखे थे। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, मम्मा मुझे खाने को दो ना। तब माँ बोलती है, अच्छा ठीक है बेटा, मैं खाने के लिए कुछ देखता हूँ और जाता हूँ और लाता हूँ। फिर वहाँ से चिड़िया उड़ जाती है और बहुत दूर चली जाती है, पर उसे एक भी दाना नहीं दिखता है। बहुत समय बाद उसे एक दाना दिखता है। अरे दाना मिल गया, अच्छा एक ही दाना है, चलो इसी को मैं खाता हूँ और कुछ अपने बच्चों के लिए ले चलता हूँ। वह दाना मुंह में उठा लेती है, फिर वहाँ से निकल उड़ती है। फिर उड़ते उड़ते वह थक जाती है और एक पेड़ के डाल तभी मुंह का दाना गिर जाता है और वह फंस जाता है। फिर अरे यह क्या हो गया, यह मेरा तो दाना इसी में गिर गया, अब मैं कैसे इसे निकालूं। मैं जाती हूँ दूसरी चिड़िया से मदद मांगती हूँ और वहां से वह उड़ जाती है। बगल की एक चिड़िया से वह मदद मांगती है। अरे बहन, मेरा दाना उस लकड़ी में जाकर फंस गया है, तुम उसे निकाल दो या निकालने में मेरी मदद करो। यह बात चिड़िया उसके मदद नहीं करती है, बोलती है तुम्हारा दाना है तुम निकालो, मैं क्यों निकालने जाऊं। फिर चिड़िया बोलती है, मेरा एक ही दाना था, मैं वह कैसे खाऊं, कैसे लेकर घर जाऊं और मेरा बच्चा कैसे खाए, मेरा बच्चा रोए रोए, मैं कैसे खाऊं, मैं कैसे घर लेकर जाऊं, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा रोए रोए। वह गाना गाती है और वहां से चली जाती है। फिर वह दूसरे चिड़िया के पास आती है और फिर वह गाना गाती है, मेरा दाना उस लकड़ी में जाकर गिरा, मैं का खाऊं का पीऊं का लेकर मैं घर जाऊं, मेरा दाना उस लकड़ी में गिर गया है, मैं का खाऊं का पीऊं और क्या लेकर मैं घर जाऊं। यह बात चिड़िया सुन बोलती है, तुम्हारा दाना गिर गया है तो मैं क्या करूं। वह भी मदद नहीं करती है, फिर वह उड़कर चली जाती। घर पर पहुंचता है और उसकी बेटी बोलती है, मम्मा मम्मा आ गई, मम्मा मुझे खाना दो ना। तो वह खाना नहीं लाती है तो वह नहीं दे पाती है।
वह भूखे ही रहती है।